अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मेरे पास सैमसंग J4 Plus आया है, गलेक्सी J4 Plus। इसमें गूगल अकाउंट है, FRP बाईपास इसका करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपने करना है। बहुत ही सिंपल है। जो अभी एंड्रॉयड के 9 वर्जन है, तकरीबन 8 और 9, ये सेम तरीके से होते हैं। कोई PC नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, और बहुत ही सिंपल मेथड है ये। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मोबाइलों में ये वर्किंग करता है, क्योंकि मैंने बहुत मोबाइलों में टेस्ट किया है, ये सेम मेथड काम करता है। इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है। अभी यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये गूगल अकाउंट कैसे ओपन करना है आपने। ठीक है जी, देखें अभी इसमें गूगल अकाउंट है। अभी क्या करना है, हमने बैक जाएंगे, ये वाईफाई की ऑप्शन पे अभी, ठीक है जी। अभी ये नीचे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है आपने। अभी ये सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग ओपन कर लेनी है। ये बहुत ही इसका सिंपल मेथड है। अभी ये बैक पे जाएं, ये ऊपर जो निशान है ये क्लिक करेंगे। अभी गूगल वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अभी इधर आपने गूगल लिख लें चाहे ओपन लिख लें। अभी इधर मैं लिखता हूँ गूगल, ये देखें ये सामने आ रहा है ओपन वेब पेज, इस पर क्लिक करेंगे। ये नीचे शो हो गया मैनेज पेंडिंग सर्चेस, इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। ये भी ये सर्च पे जाएंगे नीचे, ठीक है जी। अभी मैं पहले आपको YouTube खोल के दिखा रहा हूँ। ये मेरा चैनल है, इसमें सॉफ्टवेयर की बहुत सारी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आईफोन, सैमसंग, सोनी रिक्सन, सब मोबाइल के तकरीबन सॉफ्टवेयर के सलूशन है, आप भी ये भी देख लें। अभी मैं बैक फिर सर्च पे जाऊंगा। ये सर्च पे, ठीक है जी। अभी इधर लिखेंगे क्रोम, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। अभी मैं इधर गूगल लिखता हूँ, अभी आपने पहले ये APK डाउनलोड कर लेनी है। ये कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, उसके बगैर ही, PC के बगैर ही होगा। FRP बाईपास, APK होस्ट, ठीक
ठीक है जी, एंड्रॉयड होस्ट से कर लें। अभी मैं इसको डाउनलोड करूंगा। ये ठीक है, ये डाउनलोड ये देखें ओपन आ गया। अभी इसको ओपन करेंगे। अभी इधर आपने ख्याल रखना है आगे क्या करना है, मेन इधर ही है। ठीक है जी, इसको इंस्टॉल करके मैं ओपन करता हूँ। अभी आपने सेटिंग ओपन करनी है। ठीक है जी, ये सेटिंग ओपन कर ली। अभी ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है जी, ये मेन मेथड आप देख लें, यही है सब। ये अदर एंड सिक्योरिटी में जाएं, ये पिन विंडोज इस पर क्लिक करके रखें। ये देखें ये ओपन हो जाएगा, इसको ऑन कर दें। ये यूज़ स्क्रीन लॉक भी ऑन कर दें। इधर आप अपनी मर्जी से पिन रख लें। ये अभी मैं 1 2 3 4 रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये पिन मैंने रख लिया। अभी क्या करना है, मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा। ये जितने एंड्रॉयड 9 है 8 है तकरीबन, ये सेम इसी तरीके से हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे मोबाइलों में टेस्ट किया है, ये सेम तरीका तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मोबाइलों में वर्किंग करता है। किसी किसी में ये तरीका वर्किंग नहीं करता, ज़्यादातर में ये वर्किंग कर रहा है। जी अभी इधर भी वो जो आपने पिन रखा है वही मांगेगा, लेकिन अभी एक्टिव भी इसको करना पड़ेगा। किसी दोस्त को कहीं से कुछ पता ना चल रहा हो तो मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं नेक्स्ट करूंगा। देखें अभी ये पिन इधर मांग रहा है, जो पिन हमने उधर रखा था पिन विंडो में, ये वही पिन आपने लगाना है। अभी देखें, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये FRP बाईपास गूगल अकाउंट इसका ओपन हो गया है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्किंग करता है। ये देखें अभी ये एंड्रॉइड 8 9 में मैंने ट्राई किया, दोनों में वर्किंग करता है। अभी मोबाइल एक्टिव हो रहा है। ठीक है जी, भाई
ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल एक्टिव हो गया। अभी मैं आपको दिखा दूं कि इसमें एंड्रॉयड कौन सा है, साथ में चेक करते हैं कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है, 8 है या 9 है, कौन सा है। ये देखें जी, इसमें 9 है। अभी आप रीस्टार्ट करें, कुछ भी करें, वो जो पिन आपने रखा है वही पिन लगाना पड़ेगा। ये मैं आपको रीस्टार्ट करके भी दिखा रहा हूँ इसको। ओके दोस्तों, अभी ये हमारा मोबाइल गूगल अकाउंट इसका ओपन हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।